नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं अंकित। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। यूपी में महागठबंधन को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में नेताओं के मिलने का सिलसिला भी जारी है। और इस बीच खबर है कि कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद का कहना है कि ये मुलाकात प्रशांत किशोर की निजी मुलाकात है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आजाद ने कहा है कि पार्टी ने प्रशांत किशोर को गठबंधन के लिए मुलायम सिंह से बात करने को नहीं बोला है। और इस बीच आजाद ने कहा है कि महागठबंधन को लेकर एसपी से उसकी कोई बात नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी कार्यक्रमों पर फोकस कर रही है। तो मुलायम और अखिलेश से प्रशांत किशोर मिले हैं। मुलाकात पर गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो उनकी निजी मुलाकात है और कांग्रेस पार्टी का इस मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन को लेकर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो कांग्रेस चुनावी तैयारियों पर फोकस कर रही है, चुनाव पर फोकस कर रही है। मुलायम और अखिलेश से पीके की मुलाकात को निजी मुलाकात करार दिया है गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने कहा है कि वो उनकी निजी मुलाकात है, महागठबंधन को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत कांग्रेस की नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रशांत जी एक सिटीजन है, एक नागरिक है, तो वो उन पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है कि किसी से न मिलो। वो एक सिटीजन के नाते किसी से भी मिल सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो मिला है उनको अपनी कैपेसिटी में तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सच है कि हमारी तरफ से अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ, तो लगातार ये खबरें मिल रही थी कि मुलायम और अखिलेश से प्रशांत किशोर मुलाकात करने पहुंचे और महागठबंधन की कवायद को आगे बढ़ाने के लिए ये मुलाकात को माना जा रहा था। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की निजी मुलाकात है, कांग्रेस पार्टी का इस मुलाकात से कोई भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस चुनाव पर फोकस कर रही है, चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन महागठबंधन को लेकर अभी किसी तरह की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं चल रही है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश सिंह इस वक्त जुड़ गए। सीधे रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, बड़ा बयान यहां पर कहा जा सकता है उस दौर पर, उस मौके पर जब इस तरह की चर्चाएं गर्म है कि पीके मुलाकात कर रहे हैं मुलायम और अखिलेश से और महागठबंधन को लेकर यह मुलाकात है। देखिए अंकिता, महागठबंधन को लेकर जो कवायद है, कह सकते हैं कि बहुत ही रोचक मोड़ लेता दिख रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव से सबसे पहले दिल्ली में मुलाकात की थी प्रशांत किशोर ने। उससे पहले खबर आई थी कि शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात हुई थी केसी त्यागी के घर पर और खुद केसी त्यागी ने वो मीटिंग कराई थी, जिसके बाद रजत जयंती समारोह के बाद खुद मुलायम सिंह ने दो बार मीटिंग की प्रशांत किशोर के साथ। उस मीटिंग में शिवपाल यादव भी थे और कल अखिलेश यादव जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई, कई घंटे तक बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी ने अधिकृत किया है प्रशांत किशोर को कि चुनावी आप जाइए, यूपी में चुनावी रणनीति बनाइए, और वैसे में अगर वो जाते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करते हैं, तो उस बातचीत का मतलब क्या होता है? जो बातें लगातार छनकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले महागठबंधन को अंतिम रूप दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर हम गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और यूपी के प्रभारी हैं, अगर उनकी बात माने तो ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपनी तरफ से ऑथराइज किया है, यानी कि अधिकृत किया है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर ने भी साफ किया था कि आजाद मुल्क की तरह है हमारी पार्टी है और यहां पर कोई भी आ सकता है, कोई जा सकता है, कोई हमारा नेता किसी से मिल सकता है, तो उस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो आरोप रीता बहुगुणा जोशी ने प्रशांत किशोर के ऊपर लगाया था कि जब से वो पार्टी में आए हैं, यानी कि जब से उन्होंने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है यूपी की, तब से पार्टी में तनाव बढ़ा है। जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। और हालांकि अभी जो जो यूपी की नई टीम बनाई गई थी जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद थे, राज बब्बर थे, शीला दीक्षित थी, संजय सिंह थे, तो ये तमाम लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि शायद जो इनका नेतृत्व है वो प्रशांत किशोर से खुश नहीं है। और इसको लेकर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब जो रकाबगंज में वॉर रूम बना है कांग्रेस का, वहाँ पर जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में खुद
प्रियंका गांधी मौजूद थी, तो इन नेताओं ने अपना विरोध जाहिर किया था प्रशांत किशोर को लेकर कि प्रशांत किशोर उनकी बात नहीं सुनते हैं। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक प्रदेश सचिव है सुनील, जिन्होंने एक पत्र लिखा, ऐसा कहा जा रहा है उन्होंने राहुल गांधी को खुले तौर पर एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कुछ जो वहां के नेता हैं यानी कि यूपी की जो टीम है उसके नेता हैं बकायदा उस पर दस्तखत किया गया है। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एक बार फिर से जिस तरह से पीके से जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर ब्रिगेड है, वो नाराज नजर आ रही थी और एक बार फिर से इस बात को हवा मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए अंकिता, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अब से कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ने अपनी यात्रा निकाली थी यूपी में, तो उसको नाम दिया गया था 27 साल यूपी बिहार, और उस यात्रा के दौरान जमकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के ऊपर निशाना साधा था। वैसे में खबर ये आ रही है कि जो इनकी टीम है, खासकर जो यूपी की टीम है और जो इनके बड़े नेता हैं जो कि इस वक्त यूपी में काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हो। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक ये भी मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है कांग्रेस का, तो प्रियंका गांधी किसी भी कीमत पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी यूपी में, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि कांग्रेस की खुद की कोशिश है कि एक बार फिर से प्रदेश में संगठन को खड़ा किया जाए और जो कांग्रेस की घटती लोकप्रियता है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो इनकी पहले की सीटें थी जो 28 सीटों पर जीत हासिल की थी उसको बढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और जो इनके तमाम नेता हैं उनमें सामंजस्य की कमी साफ तौर पर दिख रही है, और अब से नहीं जो तमाम इनकी मीटिंग्स होती थी, चाहे लखनऊ की बात करें या जो अलग अलग जोन्स में इन्होंने प्रशांत किशोर की जो टीम ने मीटिंग की थी, उन मीटिंग्स में भी टकराव और बिखराव साफ तौर पर नजर आया था। कई बार नोकझोंक भी हुई थी और जो वहां के स्थानीय नेता थे, हालांकि वो खुद खुलकर बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर के सामने नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ जो यूपी के नेता थे उनसे उन्होंने अपना कई बार विरोध जाहिर किया था, और उसी का नतीजा है ये माना जा सकता है कि जैसा कि बयान आया है गुलाम नबी आजाद का और इससे पहले राज बब्बर ने बयान दिया है, तो हो सकता है कि उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर को ये समझाने की कोशिश की जा रही है जो इन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो यूपी की टीम है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार हैं, गठबंधन का फैसला पार्टी आलाकमान का होगा और पार्टी के बड़े नेताओं का होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में चुनावी मौसम में मुश्किलें यहाँ पर कांग्रेस के सामने खड़ी हो सकती है, जिस तरह से अंदरूनी कलह मतभेद कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है।